डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन की वीडियो बिल्कुल अलग से तैयार होगी। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के रूप में आपको मैंने ट्रिक्स पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन के मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस के एंसिस्टर कौन हैं। तो ह्यूमन सेपियंस सेपियंस के एंसिस्टर कौन थे, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, ड्राहिस, ड्रायोपेथिकस, रमापेथिकस, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में दो चीजें आपको बताए थे, नियंडरथेलिस एंड क्रोमैग्नो। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है, नियंडरथेलिस बताया था और क्रोमैग्नो बताया था। तो ये मैंने पूरा आपको बताया हुआ था, ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताया था 10 से 12 मिनट के अंदर में हॉर्स के इवोल्यूशन के साथ। अब देखिए, आज ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का, ठीक है, इसमें हम जो ह्यूमन के इवोल्यूशनरी एंसिस्टर हैं, जो ह्यूमन के एंसिस्टर हैं, उनको सबको हमने तीन ग्रुपों में बांटा है। कितने ग्रुप में बांटा है? तीन ग्रुपों में। और आज का जो लेक्चर वीडियो है, इसमें ये इवोल्यूशन का लास्ट वीडियो है, इसमें आपको मतलब इंफॉर्मेटिव चीज ज्यादा है। तो प्लीज, मैं कोशिश तो करूंगा ट्रिकी ढंग से बताने का, लेकिन आपको थोड़ा आज मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आज जो हमें इस वीडियो का जो आप भेजेंगे पेज, उसमें ड्रायोपेथिकस के बारे में अलग पेज में होगा, रमापेथिकस के बारे में अलग पेज में होगा, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस के बारे में अलग पेज में होगा, ठीक है, होमो हैबिलिस के बारे में अलग पेज में होगा, होमो इरेक्टस के बारे में अलग पेज में होगा, ठीक है, और नियंडरथेलिस के बारे में अलग पेज में होगा। सिर्फ होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में आपको लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, उसको आप होमो, ठीक है, ये नियंडरथेलिस में ही लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका एक चार्ट अलग पेज में, बाकी सबका डिटेल अलग अलग पेज में, ये मैं आज चेक करूंगा स्पेशली। और ये मुझे आज आप 8 बजे रात तक भेज दीजिए, ठीक है, यानी 8 बजे रात में आज का काम आप फिनिश कर लीजिए, और सबका कॉपी मैं अलग से चेक करूंगा, ठीक है। ये डायरी में लिखना है, डायरी में लिख लीजिए, अलग अलग मतलब जो भी ह्यूमन का एंसिस्टर है उसके बारे में अलग से आप डायरी में नोट कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, और अंडरलाइन हम जिसको जिसको करेंगे आपको भी डायरी में उसी को अंडरलाइन करना है, ओके। चलिए देखिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कौन कहां पे है वो मैं बताऊंगा, कहां पे किसके बारे में क्या नोट करना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसमें तीन पार्ट कहता है, प्रियर टू एप मैन, ठीक है, यानी कि एप मैन जिसको कहा जाता है उससे पहले वाला, फिर कहता है एप मैन, ठीक है, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक मैन भी बोलते हैं, और उसके बाद कहता है ट्रू मैन, ठीक है, जिसको हम लोग लिविंग मॉडर्न मैन भी बोलते हैं, जो अभी का है, ठीक है। तो बताइए, प्रियर टू एप मैन, प्रियर मतलब होता है पहले, ठीक है, एप मैन से पहले, ठीक है, प्रेजेंट एप मैन जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक मैन भी बोलते हैं, और ट्रू मैन यानी कि प्रेजेंट लिविंग मॉडर्न मैन, क्लियर। अब देखिए, कहता है प्रियर टू एप मैन में मतलब दो ग्रुप आता है, हमने ऊपर में बताया था आपको, क्या, ड्रायोपेथिकस और रमापेथिकस, ठीक है, ड्रायोपेथिकस और रमापेथिकस। देखिए, ड्रायोपेथिकस मतलब प्योरली एप जैसा था, बट रामापेथिकस जो इंडियन लीजेंड थे, जो भगवान के रूप में मतलब याद किए जाते, भगवान राम, उनके नाम पे ही पड़ा है रामापेथिकस, ठीक है, यानी कि वो कुछ कुछ ह्यूमन की तरह थे, मतलब एप थे बट ह्यूमन की तरह थे, मतलब कहा जाता है कि ह्यूमन विद एप ब्रेन, यानी रामापेथिकस को क्या बोलते हैं, ह्यूमन विद एप ब्रेन, यानी कि ह्यूमन की तरह सब कुछ उसमें हो गया था बट एप की तरह माइंड था, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा गया रमापेथिकस, ठीक है। तो दो ग्रुप को यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसमें, प्रियर टू एप मैन में, प्रायर टू एप मैन में हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो कहता है ड्रायोपेथिकस और रमापेथिकस। ड्रायोपेथिकस, डायरी में आपको पहला पॉइंट लिखना है, ठीक है, ड्रायोपेथिकस, इट इज एप लाइक, इट इज एप लाइक, इट इज ओरिजिनेटेड 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, इन अफ्रीका एंड यूरोप।
अफ्रीका और यूरोप में ये पाया गया था, यानी कि ये 15 मिलियन ईयर एगो ओरिजिन हुआ था अर्थ पे। अफ्रीका यूरोप में इसके फॉसिल्स पाए गए, ठीक है। कहा जाता है कि पहले तो दोनों के बारे में कोमल लाइन सुन लीजिए, ड्रॉपिथेकस एमोपिथेकस के बारे में, बोथ आर हेयरी, एकदम बाल पूरे भरे हुए थे, एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपेंजी, चिंपेंजी और गोरिल्ला की तरह ये वॉक करते थे, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, ठीक है, यानी कि ह्यूमन और एप दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। और एप में किसके किसके, जिबन, जी से जिबन, ओ से ऑरंगुटान, सी से चिंपेंजी, जी से गोरिल्ला, याद रखिएगा चारों आपको नोट में करना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, जीओसी, ठीक है, जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं, जीओसी जी, ठीक है, यानी कि जी से जिबन, जी आई डबल बी ओ एन, ओ से ऑरंगुटान, जी से गोरिल्ला, ये सी से गोरिल्ला, सी से चिंपेंजी, जी से गोरिल्ला, ठीक है। ये चारों एप्स और मॉडर्न ह्यूमन यानी रामापेथिकस से स्टार्ट कर दीजिए, उसका एंसेस्टर यही था, ये रामापेथिकस के आगे से, यानी कि ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथेलिस, क्रोमैग्नोन, मॉडर्न, सबका यही था, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, हेरी थे, वॉक मतलब इरेक्टली करते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, और कहता है कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स। अब आइए कहते हैं रामापिथिकस के बारे में अलग से, क्या है, डायरेक्ट लाइन, ठीक है, डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन, यानी कि डायरेक्ट लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बोला था कि भगवान राम के नाम पे पड़ा, ये ह्यूमन की तरह दिखता था बट ब्रेन था एप की तरह, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इन लेट मायोसीन इपोक, ठीक है, आपने पढ़ा है मायोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, होलोसीन, तो याद रखिएगा मॉडर्न ह्यूमन होलोसीन में जन्म लिया, होलोसीन में ओरिजिन हुआ, एच से होलोसीन और एच से ह्यूमन, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, इसमें बहुत चीज याद करना है आपको, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट में मैंने अभी तक जितने वीडियो आपको बनाए थे सब में ट्रिकी डंस बताया, यहां भी कोशिश कर रहा हूं, देखिए जैसे पहला कोशिश, एच फॉर होलोसीन, एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर होलोसीन, एच फॉर ह्यूमन, यानी मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम होलोसीन, बट ठीक है कहता है रामापिथिकस ओरिजिन फ्रॉम, ठीक है, क्या बोलिएगा, मायोसीन, और मायोसीन में ओरिजिन हुआ था लेट मायोसीन में, और ये प्लियोसीन तक एग्जिस्ट किया था, ठीक है, मायोसीन में, ठीक है, मतलब इवॉल्व हुआ था, ओरिजिन हुआ था, और ये प्लियोसीन तक क्या हुआ, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट किया था दुनिया में, ठीक है, प्लियोसीन तक, तो यहां पे याद रखिएगा मायोसीन से इवॉल्व हुआ और प्लियोसीन तक ये एग्जिस्ट किया, रामापेथिकस, ठीक है, रामापेथिकस मायोसीन में इवॉल्व हुआ और प्लियोसीन तक एग्जिस्ट किया दुनिया में, दो इपोक के बीच, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और ये हुआ था 14 से 15 मिलियन ईयर एगो, 14 टू 15 मिलियन ईयर एगो, वो उसमें डायरेक्ट था 15 मिलियन एगो, ये 14 टू 15 मिलियन ईयर एगो। कहता है फॉसिल्स, ठीक है, इसका जो फॉसिल्स था उसका खोज किया वही साइंटिस्ट जिसने पिनोसाइटोसिस का खोज किया था, एडवर्ड लेविस, ठीक है, 1932 में खोज किया एडवर्ड लेविस ने, ठीक है, एडवर्ड लेविस ने 1932 में इसके फॉसिल्स का खोज किया, लेकिन देखिए यहां पे एक ट्विस्ट है, 1962 में जाके इसी से मिलता जुलता एक और ह्यूमन के एंसेस्टर को खोजा गया, सब कुछ सेम था, उसका नाम रखा गया केन्यापेथिकस, ये केन्या में खोजा गया था जो अफ्रीका में है, ठीक है। तो कहता है कि 1962 में, ठीक है, लीकी, एल ई ए के वाई, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं आपको, एल ई ए के वाई, लीकी के द्वारा, ठीक है, 1962 में इसी से मिलता जुलता, रामापेथिकस से मिलता जुलता एक खोजा गया, उसको ये कंकाल खोजा गया, फॉसिल्स खोजा गया,
उसको क्या बोलते हैं, केन्यापेथिकस। तो याद रखिएगा 1932 में एडवर्ड लेविस के द्वारा, 1932 में एडवर्ड लेविस के द्वारा रामापेथिकस के फॉसिल्स का खोज, और 1962 में लीकी के द्वारा अफ्रीका के केन्या में जो खोजा गया कंकाल वो उसी नाम पे नाम पड़ गया, केन्यापेथिकस। केन्यापेथिकस। तो इतनी बात को आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। मैं मतलब करते भी जाता हूँ और मिटाते भी जाता हूँ जिससे आपको आसानी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ड्रावापेथिकस रामापेथिकस ये दोनों के बारे में क्लियर है। ड्रावापेथिकस रामापेथिकस, ड्रावापेथिकस 15 मिलियन ईयर है वो, रामापेथिकस 14 से 15 मिलियन ईयर है वो, ठीक है। ड्रावापेथिकस और रामापेथिकस दोनों वॉक करते थे कैसे, गोरिल्ला लाइक, चिंपैंजी लाइक, ठीक है। और रामापेथिकस ड्रावापेथिकस से थोड़ा ज्यादा एडवांस था, उसमें मतलब ह्यूमन लाइक एक्टिविटी थी बट ब्रेन एक का ही था, क्लियर है। रामापेथिकस के फॉसिल्स को डिस्कवरी किया कौन, एडवर्ड लेविस 1932 में, बट 1962 में लीकी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, क्या किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने खोजा, ठीक है, किसको, मतलब एकदम मिलता जुलता रामापेथिकस, उसका नाम क्या दिया, केन्यापेथिकस, याद रखिएगा उसका नाम इन्होंने क्या दिया, केन्यापेथिकस, ठीक है। अब आइए, कहता है दूसरा एप मेन, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक मेन बोलते हैं, उसमें आएंगे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में, किसके बारे में, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो है इसके बारे में हमने सारा डिटेल, ठीक है, इधर लिखा है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में सारा डिटेल इधर लिखा है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में कहा जाता है फर्स्ट एप मेन, ठीक है, फर्स्ट एप मेन, जो रामापेथिकस था एप लाइक मेन था, याद रखिएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा यहां पे क्वेश्चन आएगा, जो, ठीक है, रामापेथिकस था, रामापेथिकस जो था, ठीक है, वो क्या था, एप लाइक मेन, एप लाइक मेन, ठीक है। बट ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को क्या कहा जाता है, फर्स्ट एप मेन, इसको कहा जाता है फर्स्ट एप मेन। और ये जानिए कि यहां से हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी को भी कंसिडर करेंगे, और याद रखना है क्रेनियल कैपेसिटी का एक ट्रिक बताएंगे आपको, क्रेनियल कैपेसिटी को याद रखने का एक ट्रिक ये बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। तो रामापेथिकस को क्या बोलते थे, एप लाइक मैन, ठीक है, लेकिन कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को क्या बोलते हैं, एप मैन, डायरेक्ट एप मैन, क्योंकि इसका बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसी के बाद तो होमो हैबिलिस आया, कहता है फर्स्ट एप में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, एप और मैन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को वो कर सकते हो, खोल देते हो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, ठीक है, एप और मैन के बीच कनेक्टिंग लिंक है ये, क्लियर है पॉइंट। तो एप और मैन के बीच कनेक्टिंग लिंक है, क्यों बोले भी, इसमें 90% कैरेक्टर जो है एप, ये मैन की तरह है, इसको एप, ये सच बोलते हैं एप मैन भी बोलते हैं, और इसको एप लाइक मैन, रामापेथिकस कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आपको यहां से आया। तो फर्स्ट एप में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, ये किसके द्वारा खोजा गया था, उसका खोज किसने किया था, एडवर्ड लेविस। केन्यापेथिकस का कौन किया, क्या था, लीकी, और इसका किया रेमंड डर्ट, ठीक है, रेमंड डर्ट, इसका खोज किया रेमंड डर्ट, ठीक है, रेमंड कपड़े की कंपनी भी है, याद रखिएगा। तो रेमंड डर्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। और मैं आपको बता दूं कि ये यहां पे इसलिए भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या करता था मालूम है, ये थोड़े थोड़े, ठीक है, मतलब
अपने आप को ढकना शुरू कर दिया था, चाहे वो केव के थ्रू ढके या जैसे भी ढके, लेकिन ढकना शुरू कर दिया था। यानी इसको कुछ अपने इज्जत का ख्याल था, इसलिए रेमंड याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि रेमंड याद रखिएगा कपड़े वाला, यानी इसने कपड़ा पहनना शुरू नहीं किया लेकिन कपड़े की तरह मतलब कुछ चीजों को लपेटना शुरू कर दिया। तो आइए फर्स्ट स्टेप में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए एंड में याद रखिएगा कनेक्टिंग लिंक जरूर। बाय रेमंड डर्ट फ्रॉम प्लियोसीन, ठीक है, फ्रॉम प्लियोसीन रॉक्स नियर कॉन्ग इन अफ्रीका। इसलिए इसको अच्छा, सबसे बड़ी बात ये 4 साल की बेबी, मतलब 4 साल ओल्ड ही मतलब एक बच्चे का कंकाल मिला था, इसलिए इसको टोंग बेबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोंग बेबी। जो इसका कंकाल मिला था उसको टोंग बेबी, ठीक है, स्केलेटन भी बोलते हैं। तो देखिए बाय रेमंडर फ्रॉम प्लियोसीन रॉक्स नियर टोंग इन अफ्रीका 5 मिलियन ईयर एगो। वही बताए थे 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी स्कल, टोंग बेबी उसको बोलते हैं, सॉरी 5 to 6 ईयर ओल्ड, 4 ईयर ओल्ड, ठीक है, 5 to 6 ईयर ओल्ड, ठीक है। जो कंकाल मिला था वो 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी का था, इसलिए उसको हम लोग टोंग बेबी बोलते हैं। इसकी हाइट 1.5 मीटर हाइट थी इसकी, कितने मीटर? 1.5 मीटर की हाइट थी। और हाइट जो है ना आगे जाके आपको बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, 1.5 मीटर की हाइट थी। बाइपेडल लोकोमोशन, अपने लोग की तरह दो पैरों पे चलता था ये, टिथ भी अपने लोग की तरह था, बाइपेडल लोकोमोशन विद टिथ लाइक ह्यूमन। ओमनिवोरस था, पोस्चर भी इरेक्ट था, पूरा इरेक्ट नहीं था बट ऐसे करके था, ठीक है, दो पैर पे खड़ा, दांत अपने तरह का, ठीक है। उसके बाद इसकी क्रैनियल कैपेसिटी जिसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं, इसमें मापते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, वो था 500 सीसी, यानी 500 सीसी इसका क्या था, ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर 500 सीसी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 500 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी। उसके बाद कहता है ब्रेन लाइक एप, यानी ब्रेन एप की तरह था, ठीक है, ब्रेन एप की तरह था। केप्स में रहता था, देखिए बताए थे केप्स, यानी अपने आप को ढकना शुरू कर दिया था। केप्स में रहने वाला पहला ह्यूमन का एंसेस्टर यही था, ठीक है, जो कि रहने मतलब रहना शुरू, हमेशा नहीं, क्रोमैग्नोन था वो हमेशा मतलब केप में रहता, और केप में पेंटिंग भी करता था, कंफ्यूज मत होइएगा, केप पेंटिंग पूछेगा तो क्रोमैग्नोन, और केप में रहना शुरू करने वाला पूछेगा तब आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। फिर कहता है ये जो रिज था आईब्रो, आईब्रो उबड़ा हुआ था, ये जो आईब्रो होता है ये आंखों के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्टेड था, आईब्रो प्रोजेक्टेड ओवर द आई, ठीक है, समझ गए। और वो रिज के रूप में था, उभार के रूप में था, यहाँ पे आईब्रो उभड़ा हुआ था और आंखों के ऊपर लटका हुआ था, ठीक है। कहता है कि नॉट चिन, चिन था ही नहीं, ठीक है, चिन नहीं था उसके मतलब चेहरे पे, चिन था ही नहीं, उड्डियां जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कहता है कि ये 1.5 मिलियन ईयर एगो गिव राइज टू होमो हैबिलिस, कहता है 1.5 मिलियन ईयर एगो ये किसको जन्म दिया था, होमो हैबिलिस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। 1.5 मिलियन ईयर एगो इसने जन्म दिया होमो हैबिलिस, बोलिए क्लियर है पॉइंट। तो फिर से याद रखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट स्टेप में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड में, ठीक है, बाय रामा ये क्या बोलते हैं रेमंड डर्ट, ठीक है, फ्रॉम प्लियोसीन रॉक्स नियर टोंग इन अफ्रीका 5 मिलियन ईयर एगो बोलिए 5 मिलियन ईयर एगो 5 to 6 ईयर, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, क्या बोलिएगा 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी स्कल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टोंग बेबी, ठीक है। और वो था 14 से 15 मिलियन ईयर एगो, ये है मात्र 1.5 मिलियन ईयर एगो 1.5 मिलियन ईयर एगो जन्म कब लिया था 5 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 3.5 मिलियन ईयर एगो तक इसका राज रहा। और कहता है ये लास्ट में 1.5 मिलियन ईयर एगो जन्म दिया, इसी से जन्म हुआ किसका, थोड़ा और मोर इलाबरेट, थोड़ा और डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर दैट वाज होमो हैबिलिस। ये सारा पॉइंट आपको एक पेज पे नोट करना है, और इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, तभी आपको ये याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा मुश्किल है, ठीक है। चलिए
अब आइए होमो हैबिलिस, ड्रापेथिकस, रमापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, क्लियर हो गया। अब हमारा क्या होमो हैबिलिस, उसके बाद क्या है होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो हैबिलिस क्या है, ठीक है, ये जो होमो हैबिलिस है इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, होमो हैबिलिस से ही ओरिजिनल ह्यूमन शुरू हो जाता है। इसके पहले की जो तीनों थे हम लोग इनको तीनों को कंसिडर करते हैं एप के रूप में, ठीक है, और आपने देखा ही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस तक को हम लोग एप मेन बोले, यहां पे एप की कोई चर्चा नहीं होगी, ये लोग ह्यूमन की तरह ही डेवलप हुए थे शुरू से ही, ठीक है। चलिए होमो हैबिलिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए होमो हैबिलिस के बारे में जो बातें हैं, ठीक है, उसमें मेन बात जो है वो देखिए, इसी को बोलते हैं स्किल्ड मैन, यानी एप के बाद ह्यूमन लाइफ जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ इसी को बोलते हैं स्किल्ड मैन, इसी को बोलते हैं टूल मेकर, और इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, हाँ, हैंडीमैन, हैंडीमैन, सॉरी, इसको बोलते हैं हैंडीमैन, हैंडीमैन मतलब जिसे हैंडीकैम होता है, तो कहते हैं हैंडीमैन मतलब औजार बनाने वाला, यानी कि हुनर वाला, ठीक है, यानी कि कोई चीज को मतलब प्रशिक्षण देने वाला, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं होमो हैबिलिस, यानी कि ये आपका हैंडीमैन, सॉरी क्या है आपका हैंडीमैन, ये आपका हैंडीमैन यानी कि स्किल्ड मैन, ठीक है, टूल मेकर और हैंडीमैन, इसी को बोलते हैं होमो हैबिलिस। तो एच फॉर हैंडी, एच फॉर हैंडी, यानी कि हैंडीमैन, टूल मेकर मैन, ठीक है, या स्किल्ड मैन, ये इसी को बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट। कहता है लीकी, वही लीकी जिसने केनिया पे थीकस का खोज किया था, जिसने केनिया पे थीकस का खोज किया था 1962 में, जो इक्विवेलेंट टू रामा पे थीकस था, ठीक है, उसी लीकी ने क्या कहा, डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लिस्टोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन नहीं, ठीक है, प्लिस्टो। रामा पे थीकस कहां से कहां काम किया था, ये एग्जिस्ट किया था मायोसीन से लेके प्लियोसीन तक, ये है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन रॉक्स, ठीक है। कहता है ये ईस्ट अफ्रीका में फर्स्ट ह्यूमन लाइफ बीइंग, फर्स्ट ह्यूमन लाइफ बीइंग, क्लियर है पॉइंट। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइफ बीइंग प्लिस्टोसीन इपॉक में खोजा गया लीकी के द्वारा ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। कहता है डिड नॉट एट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी का था 650 से 800, याद रखिएगा, क्रेनियल कैपेसिटी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का कितना था, उसका था 500 सीसी, कितना था 500, वहीं से हमने कंसीडर करना शुरू किया 500 सीसी, इसका कितना है 600 से 800 सीसी, 650 से 800, यानी अब इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया। और मैंने बताया इसका मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा याद करने, ठीक है। टिथ लाइक मॉडल में हम लोग की तरह इसका टिथ था, थीकोडोन तो था ही, हम लोग की तरह साइज में भी इसका था, ठीक है, और ये भी मटन नहीं खाता, हम लोग को भी मटन नहीं खाना चाहिए, जो मतलब टिथ है उसमें हम लोग का कैनाइन बड़ा बड़ा नहीं है, जिनका कैनाइन बहुत बड़ा है वो एडेप्टेड टू, ठीक है, ईटिंग फ्लेश, ठीक है। अब देखिए टिथ लाइक मॉडल में यूज टूल्स टू चिप चॉप्ड स्टोन्स, यानी कि स्टोन्स को ना शार्प करते थे, यानी कि उसको आकार देते थे, अलग अलग स्टोन को अलग अलग आकार में बदलते थे और उनका हथियार के रूप में यूज होता था, क्लियर है, बचने के लिए। यूज टूल्स ऑफ चिप्ड स्टोन्स, कम्युनिटी लाइफ इन केव्स एंड केयर फॉर यंग बर्ड्स, कहता इन्होंने ही कम्युनिटी लाइफ को शुरू किया था, एक जगह रहना शुरू किया था गुफाओं में, ठीक है, एक जगह बच्चों के साथ, बच्चों का केयर करना, ये सारा कुछ इन्हीं का था। इनका होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बारे में तीन चीज तो ऊपर में क्लियर है, क्या बोलिए, स्किल्ड में, टूल मेकर में, हैंडी में, ठीक है, लीकी उसका डिस्कवर किया था वही जो केन्या पे थीकस का खोज किया था, क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800, ठीक है, फिर कहिएगा ये प्लिस्टोसिन रॉक में ईस्ट अफ्रीका में खोजा गया था लीकी के द्वारा, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ठीक है, डिड नॉट एट मील ये मीट, इस लाइक मॉडल में ये पूरा का पूरा आपको लग सकता है, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि ये मॉडर्न मैन का इनडायरेक्ट एंसेस्टर था, ठीक है, मॉडर्न मैन का इनडायरेक्ट एंसेस्टर था, इसके बाद जो हुआ वो आपको कौन
इसके बाद जो हुआ वो कौन था, ठीक है, होमो इरेक्टस। लेकिन होमो इरेक्टस के पहले पहले हमें एक चीज को और देखें, होमो इरेक्टस के साथ साथ एक और चीज देखें, बोले यहाँ तक ये क्लियर। ये देखिए होमो इरेक्टस, इसके बारे में आप जानिए कि जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस के बारे में कहता है कि वह 1.5 मिलियन ईयर है, यानी कि जिस टाइम में, ठीक है, जिस टाइम में होमो हैबिलिस ओरिजिन हुआ, एकदम पैरेलल टाइम में होमो इरेक्टस भी दुनिया में आया, यानी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 1.5 मिलियन ईयर है वो, प्रोबेबली एक मीट, वो मीट नहीं खाता था, ये मीट खाता था। मोर इलाबोरेट टूल्स ऑफ स्टोन्स एंड बोन, वो सिर्फ स्टोन को चॉप चिप करके वो औजार बनाता था, ये बोन का भी यूज करने लगा औजार के रूप में, ठीक है। फिर कहता है ये 1.5 से 1.8 मीटर, देखिए लंबाई बढ़ता चला गया, ये इसकी टॉलनेस थी, और इसमें मेल फीमेल से ज्यादा बड़े होने लगे, ठीक है, जैसा जनरली आजकल भी होता है, मेल की लंबाई फीमेल से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्रैब पोस्चर, ठीक है, उसके बाद कहता है स्किन फ्लैटर देन, सॉरी स्कल फ्लैटर देन मॉडर्न मैन, यानी कि हम लोग से इसका जो स्कल था वो ज्यादा फ्लैटर था, तो आपको ये पता चल गया होगा। क्रैनियल कैपेसिटी देखिए थोड़ा बढ़ गया, उसका था 650 से 800, किसका, होमो हैबिलिस का, इसका कितना बढ़ा हो गया, इसका हो गया 900 बढ़ गया, ठीक है। तो फिर याद कीजिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का 500, 650 से 800 होमो हैबिलिस का, और होमो इरेक्टस का कितना, ठीक है, क्या बोलिएगा, 900, यानी कि 100 बढ़ गया, क्लियर है पॉइंट। तो हम इसको दोनों को भी मिटाते हैं, ठीक है, और होमो इरेक्टस के इक्विवेलेंट, ठीक है, होमो इरेक्टस के इक्विवेलेंट एक और था, उसका नाम था जावा एपमैन, ठीक है। तो ये जावा एपमैन के बारे में आपको दो तीन चीज बहुत पक्के रूप से पूछता है जावा एपमैन, तो मैं आपको बता दूं, जावा, जावा से आप याद रखिएगा जलावन, ठीक है, जावा से याद रखना है जलावन, जौ से जावा, जौ से जलावन, यानी कि फर्स्ट ऐसा मेन था जो होमो इरेक्टस का ही एक दूसरा रूप था, होमो इरेक्टस का ही मॉडिफाइड रूप था, ठीक है, होमो इरेक्टस का ही मॉडिफाइड रूप था, जिसको पैकिंग मैन भी बोलते थे, यानी कि कहते हैं होमो इरेक्टस को क्या बोलते थे, पैकिंग मैन, उसको बोलते थे पैकिंग मैन, कहता उसी के इक्विवेलेंट, उसी से ओरिजिनेटेड, उसी का मॉडिफाइड रूप कौन था, जावा एप मैन। और मैं बता दूं ये जावा एप मैन के बारे में याद रखना है, जावा जलावन, यानी कुकिंग का यूज सबसे पहले इसने शुरू किया, उसके पहले लोग कच्चे मांस खाते थे, ठीक है, और आपने देखा भी होमो इरेक्टस मांस खाना शुरू कर दिया था, लेकिन कच्चा मांस खाते थे, पच भी जाता था, उस समय का हालात ऐसा था, पानी होने वैसे, ठीक है। अब कहता है कि ये पका के खाने लगा, कुकिंग का यूज करने लगा, उसके लिए लकड़ी काटना एकदम बढ़िया हथियार से, बोनी मतलब नुकीले हथियार से, स्टोन के बने हुए हथियार से लकड़ी काट के लाना उसको, मतलब हथियार के रूप में, ये हथियार के रूप में उसको यूज करके लकड़ी काट के लाना, उसका जलावन के रूप में यूज करना, आग का आविष्कार, सब कुछ यही किया। देखिए यहाँ इसका जो खोज, जो डिस्कवरी है ना, वो आपको जरूर पूछेगा, डुबोइस, ठीक है, ये डुबोइस, ठीक है, डुबोइस ने इसका खोजा, सेंट्रल जावा, ये सेंट्रल जावा कहाँ है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जिसकी मेन जो शहर है वो बाली है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो कहता है ये इंडोनेशिया, ठीक है, मेयर इसका खोज, कहता है ये होमो इरेक्टस, मतलब इसी को मेयर ने बोला होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है। अब बताइए ये थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफाई था होमो इरेक्टस का, बताया कि उसी का मॉडिफिकेशन है, तो होमो इरेक्टस का नाम होमो इरेक्टस था, पैकिंग मैन था, ये उससे थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई था, थोड़ा ज्यादा मॉडर्न था, इसको बोल दिया गया होमो इरेक्टस इरेक्टस, क्या बोला गया, होमो इरेक्टस इरेक्टस। बट ये नाम किसने दिया, ठीक है, ये नाम दिया मेयर, किसने दिया, मेयर, जो बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट, मेयर, वही मेयर जिसको एस्ट्रोलॉजी टर्म दिया था, उसी ने इसको नाम दिया, ठीक है, क्या, होमो इरेक्टस इरेक्टस, जैसे अपना लोग का नाम क्या, होमो सेपियंस सेपियंस, कहां से निकले,
होमो सेपियंस है, यानी होमो सेपियंस का मॉडिफाइड फॉर्म है होमो सेपियंस सेपियंस। उसी तरह से होमो इरेक्टस का मॉडिफाइड फॉर्म है होमो इरेक्टस इरेक्टस। डुबोयस ने इसको सिर्फ बोला था जावा एप में, क्लियर है। कहता है 1.65 से 1.75 मीटर इसका टॉलनेस, ठीक है, 70 केजी वजन, जो कि आजकल ह्यूमन का लगभग है माना जाता है स्टैंडर्ड। अब देखिए उसका था 900, किसका मतलब इसका होमो इरेक्टस का 900 था आपको क्रेनियल कैपेसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर था। इसका जो है, ठीक है, इसका जो है वो कितना है, तो कहता है 800 से 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है कि ये जो ये जो है ह्यूमन ये एक ह्यूमन हंटिंग, ठीक है, हंटिंग डिफेंडिंग और कुकिंग, यानी कि ह्यूमन की तरह मतलब ये डेवलप हो चुका था हंटिंग करना, उसको मतलब दुश्मनों से अपने आप को बचाना और कुकिंग करना, ये तीनों काम है इसका, यानी कि जावा एपनी का, यानी कि हंटिंग भी डिफेंडिंग भी, ठीक है, और क्या कहेंगे, ठीक है, कुकिंग भी, तीनों, ठीक है, याद रखिए। और कहता है ये ओमनीवोरस भी था और इसका एक विशेषता और था कैनिबल, ये अपने ही स्पेसीज को खाता था, अपने तरह के स्पेसीज को खाता था, यानी कि ये प्रीडेटर था और अपने ही स्पेसीज को खा जाता था कैनिबल, ठीक है। चलो अब सबसे लास्ट में जो हम आते हैं उसमें आपको क्या करना है मालूम है, सबसे लास्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है, कहता है नियंडरथैलिस के पास, ठीक है, नियंडरथैलिस के पास, ये जो नियंडर है ना वो एक वैली है जर्मनी में, ठीक है, नियंडर वैली इन जर्मनी, यानी कि जर्मनी में एक घाटी है जिसका नाम है नियंडर, क्या नाम है, नियंडर। ये जो नियंडर जो है उसी वैली में खोज हुआ था इस ह्यूमन के एंसिस्टर का, इसलिए इसको बोलते हैं नियंडरथैलिस, क्या बोलते हैं इसको, नियंडरथैलिस, ठीक है, तो इसलिए नाम पड़ा होमो नियंडरथैलिस। ये जितने भी एंसिस्टर हैं उसमें सबसे ज्यादा डेवलप है, सबसे ज्यादा डेवलप ह्यूमन अगर कोई है वो है होमो नियंडरथैलिस, ठीक है, एंसिस्टर में। हालांकि क्रोमोमैग्नोन की कैपेसिटी इससे ज्यादा थी बट वो ज्यादा डेवलप नहीं था, क्लियर है पॉइंट, देखिए हम, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रू मैन, इसको बोलते हैं लिविंग मॉडर्न मैन, लिविंग मॉडर्न मैन ट्रू मैन, ठीक है। कहता है नियंडरथैलिस अ स्किल्ड हंटर एंड ट्रू प्रीडेटर, अ स्किल्ड हंटर यानी कि एकदम सिखाया हुआ प्रशिक्षित, ठीक है, मतलब मारने वाला हंट, मतलब किसी को शिकार करने वाला प्रीडेटर था और मतलब मार के खाता था, पहले उसको एकदम दौरा के मारता था, पूरे एकदम प्रशिक्षित, यानी कि कभी ये मतलब डिफीट इसका नहीं होता था, ठीक है। तो कहता है कि अ स्किल्ड हंटर एंड ट्रू प्रीडेटर, नियंडरथैलिस कहां पे, नियंडर वैली इन जर्मनी, ठीक है, वॉक अपराइट एकदम बिल्कुल सीधा चलता था अपने लोग की तरह, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600, लो आ गया पॉइंट पे, 1300 से 1600 इसी रेंज के आसपास अपना होता है क्रेनियल कैपेसिटी, अपना है 1450 से 1650, ठीक है, इसी के आसपास होती है। तो कहा था क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 और 10,000, इसको कहा जाता है कि 10,000 ईयर, देखो मिलियन उलियन नहीं, 10,000 साल पहले, यानी 10,000 साल पहले दुनिया में था, ठीक है, 10,000 साल पहले दुनिया में था। और आपको पता है 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर का डिस्कवरी हुआ था, तो बताइए एग्रीकल्चर की डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ, लगभग इसी के द्वारा, नियंडरथैलिस के द्वारा ही हुआ एग्रीकल्चर का डिस्कवरी, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की डिस्कवरी और 10,000 साल पहले ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। केव ड्वेलर था, गुफाओं में चलता फिरता था, गुफा बनाता था, वहीं पे रहता था, परिवार को देखता था, केयर करने की प्रॉपर्टी थी, कम्युनिटी पूरा का पूरा बना के रखता था, पूरा एक सभ्यता का शुरुआत कर दिया था, ठीक है। अर्थात एडेप्टेशन, एडेप्टेड कोल्ड एनवायरमेंट, बस इसका एक ही था, यहाँ पे ये जरूर पॉइंट आप लिखिएगा, ये कोल्ड एनवायरमेंट के प्रति एडेप्टेड था, इसको गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए
गहरे गहरे गुफाओं में ये रहता था, ये है पॉइंट, पढ़ाता था। इसी से ऑरिजिन हुआ किसका, होमो सेपियंस सेपियंस का, और वो हुआ ठीक है मतलब होलोसीन पीरियड में, होलोसीन पीरियड में 25,000 साल के आसपास पहले इसका ऑरिजिन हो चुका था। लेकिन इसके पैरेलल में नियंडरथेलिस एग्जिस्ट करता था दुनिया में, यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस, नियंडरथेलिस और क्रोमैग्नो एक साथ दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि ऊपर नीचे थे, इसलिए आप देखिएगा इन तीनों का क्रैनियल कैपेसिटी का रेंज लगभग वही है ठीक है। कहता ये ऐसा बोला जाता है कि मतलब इनको जब दफनाया जाता था ना मरने के बाद, तो उनमें फूल वगैरह ठीक है, उनके साथ उनके हथियार वगैरह मतलब उस सब का यूज करते थे, उनको साथ में देके उनको दफनाते थे। यानी कुछ कुछ कल्चर इनमें आ गया था, किसमें, होमो नियंडरथेलिस में ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है लिविंग मॉडर्न मैन। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए ये था आपको, यहां तक आपको लिखना। होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो भी आपका कैरेक्टर है सब होमो सेपियंस सेपियंस को मतलब लिया आता है, यानी होमो सेपियंस सेपियंस का जो कैरेक्टर है वो सब आपका कैरेक्टर है, इसलिए इसको तो पढ़ना नहीं है। याद रखिएगा क्रैनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 इसका होता है, और इससे भी ज्यादा किसका होता है, क्रोमैग्नोन का, यानी क्रोमैग्नोन का क्रैनियल कैपेसिटी होता है 1750 के आसपास, याद रखिए 1700 के आसपास ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्रैनियल कैपेसिटी उतना तो नहीं पूछेगा ठीक है, हमने जितना बताया, लेकिन आपको एक ट्रिक बता देता हूं ठीक है, तो वो उससे आपको सीक्वेंस ऑफ क्रैनियल कैपेसिटी आपको याद रहेगा। मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं, देखिए सीक्वेंस क्या ठीक है। समुद्र के गहराई में जो मटेरियल रहता है ना ठीक है, उसको बोलते हैं गाज। तो एक ट्रिक है सी गाज, सी गाज, जी ए जे ठीक है, पी एन सी, सी गाज पी एन सी, सी गाज पी एन सी, ये याद रखिए। ये ट्रिक है इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी, इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी। इसमें सी से चिंपैंजी, जी से गोरिल्ला, ए से एप, जे से जावा, पी से पैकिंग मैन, पैकिंग मैन ठीक है क्लियर, जिसको होमो इरेक्टस भी बोलते हैं, इरेक्टस। होमो इरेक्टस में दो था, एक था नियंडरथेलिस और एक था क्रोमैग्नोन। तो वो होमो इरेक्टस पैकिंग मैन में ही था, बट वो दोनों अलग अलग थे, और आपको पता है कि नियंडरथेलिस से आगे जाके क्या हुआ, डेवलप होमो सेपियंस। तो इससे आगे नियंडरथेलिस, नियंडरथेलिस और सबसे आगे क्रो मैग्नोन, क्रो मैग्नोन ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये है इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी, यानी कि इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी यही आपका था लास्ट टॉपिक ठीक है। इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी यानी कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप, जावा, पैकिंग मैन, नियंडरथेलिस और क्रोमैग्नोन ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी, यानी ह्यूमन एंसेस्टर में किसकी कम से, किसकी सबसे कम है क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी हमने आपको क्या बोला, क्यूबिक सेंटीमीटर में मापा जाता है, सीसी में। तो सबसे कम चिंपैंजी का और सबसे ज्यादा क्रोमैग्नोन का। और आपको बता दें कि मॉडर्न मैन किससे जन्म लिया है, नियंडरथेलिस से, इसलिए मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियंस सेपियंस की क्रैनियल कैपेसिटी इससे थोड़ा ज्यादा है,
और क्रोमैग्नोन से थोड़ा कम है, इसलिए उसकी कैपेसिटी 1650 के आसपास है, मतलब 1600 के आसपास, 1450 से लेकर 1600 के आसपास, इसकी उससे भी ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ ही ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ। मैं इसको प्ले लिस्ट पे आज जोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो बने हैं, आपको फिर से अगर एक बार देखना होगा देख लीजिएगा। और इसका मैं आपको जल्द से जल्द क्या दूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर का पूरा कंसेप्ट पूरे तरह क्वेश्चन, लगभग 300-400 क्वेश्चन का आपको मैं आज मैं भेजूंगा, दिन में भेजूंगा। पहले आपको मैं आज दिन में ही भेजूंगा, रात में नहीं, जिसे आप कर सकें। लेकिन पहले मैंने वर्क क्या दिया है, 8 बजे तक इसके पूरे अलग अलग एंसेस्टर का अलग अलग आपको पेज पे डायरी पे लिख के फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है, ठीक है, एक एक पॉइंट। थैंक यू सो मच, उसमें हम किसी का वो कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेक केयर। और अगला चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर जो होगा वो जेनेटिक्स के पहले चैप्टर की तरह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, लैक ओपेरोन मॉडल, उसमें तो एक से एक और सब मॉलिकुलर चीज पढ़ना है, पढ़ने मजा आएगा आपको। दैट इज कॉल्ड मॉडर्न जेनेटिक्स या मॉलिकुलर जेनेटिक्स। थैंक यू।